वेलकम टू मंदारा एकेडमी। सर्कल एंड कॉनिक्स चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर पे हमने बेसिक्स कवर करे हैं पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन दीज बेसिक्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर्कल एंड कॉनिक्स काफ़ी इजी है, तो पूरे अटेंशन और फोकस के साथ पढ़िए। अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, इस सारे फॉर्मूलाज को और सारे कंसेप्ट को एक बार आप लिख लीजिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, क्योंकि मैं जिस तरीके से ले रहा हूँ एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आप खुद के दम पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता है, इट इज़ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। जब कभी भी दो पॉइंट इस मार्केट प्लेस में आपको दे रखे हैं, समझो आप मार्केट में कहीं घूमने जाते हो और आपको दो पॉइंट मिल गए, एक है ए दूसरा है बी, इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ये है ए के कोऑर्डिनेट्स, ये है बी के कोऑर्डिनेट्स, हम इस तरीके से लिखते हैं। को पता है, मुझे भी पता है, बट फिर भी बताना मेरा काम था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यह है एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो बस इसका यूज़ आपको करना है और सॉल्व करते जाना है। तो फर्स्ट का आंसर मैं ही बता देता हूँ क्या आएगा। सेंटर ओरिजन है तो एच भी जीरो के भी जीरो, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस मतलब फोर का स्क्वायर मतलब 16। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेंटर एट थ्री माइनस टू। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सेंटर एट थ्री माइनस टू एच और के क्या डिनोट करते हैं? यस, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। किसी एक सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को हम एच के से डिनोट करते हैं। तो बस आप अभी क्या लिखोगे, x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस टू का स्क्वायर मीन्स y प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर। अब क्या इसको एक्सपांशन करना आपको बताना पड़ेगा, आप खुद भी एक्सपांड कर सकते हो। जैसे कि आप इसका एक्सपांशन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फोर वाई, इधर है 25। आगे क्या होगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर और उसके बाद कितना हो जाएगा, देखो टोटल एक्स स्क्वायर आ गया वाई स्क्वायर आ गया, बचा कौन फिर, फोर और नाइन होता है 13, 13 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 12, ये हो गया माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई। एक काम करो, 12 इस तरफ शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा माइनस 12। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें मैंने आपको एक्सपेंशन करके दे दिया, आगे आपको खुद ही करना। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड तो बता दिया है, थर्ड में भी एच और के आपको पता है, ये है रेडियस, आगे आप कर लोगे। एच और के पता है, ये है रेडियस, ये रेडियस थोड़ी अजीब है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, खत्म। सेंटर है एच और के, थोड़ी सी अजीब वैल्यूज दे रखी है बट इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आपने इतना बेसिक्स तो देख लिया कि सर्कल का इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है। यस यू आर राइट, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, रेडियस का स्क्वायर, जिसमें एच और के क्या डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। इक्वेशन से सेंटर ऑफ रेडियस ढूंढ सकते हैं? यस। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? यस, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे तो यह है आपका एच, ये है आपका के, ये है आपकी रेडियस। तो बस रेडियस कितनी है इस बेचारे की, इतना इजी सवाल दे रखा है बट इसका यूज ना क्वेश्चन की सॉल्विंग में होता है, एरिया अंडर द कर्व में इसका यूज होता है और सर्कल कॉनिक्स में तो ऑफ कोर्स होता ही है, ठीक है। तो इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 5। सिमिलरली आप सेकेंड तो खुद भी कर सकते हो बट फिर भी बता देता हूँ मैं, लेट मी जस्ट डू इट। इसका h है 5 और k है 3,
सेंटर मिल गया, और रेडियस कितनी है, अंडर रूट ऑफ 20। अंडर रूट ऑफ 20 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 20 होता है 4 × 5, तो 4 × 5 फोर बार आ जाएगा, तो हो जाएगा 2√5, ठीक है। सिमिलरली आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब इसमें एच कितना है, यस ये है एच 1/2, के कितना है, अरे प्रॉब्लम है ये है वाई माइनस के का केस स्क्वायर, तो क्या इधर माइनस है, हाँ है ना, हम इसको लिख सकते हैं वाई माइनस माइनस 1/3, है ना। सोच के देखो y प्लस 1/3 वैलिड है क्या, नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में माइनस है ना, तो माइनस कैसे लाएंगे, हम लिख सकते हैं y माइनस माइनस 1/3, तो h आ गया, k आ गया, रेडियस कितनी है 1/6 का होल स्क्वायर, खत्म। ये कंसेप्ट छोटे छोटे हैं बट इसका यूज क्वेश्चन सॉल्विंग में होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट कब यूज हो रहा है, तो इसके लिए एक एक बेसिक आप समझ के चलिए। थर्ड देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड टचिंग एक्स एक्सिस। इस तरीके के सवाल ना हमको एरिया अंडर द कर्व में देखने को मिलता है, बट एनीवेज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -2, 3 पे, ठीक है, एक्स पे -2 कहाँ पे आता है, एक्स पे -2 समझो इधर आता है, और वाई पे 3 इधर, टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो, तो समझो ये आपका सर्कल है। अच्छा ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उन्होंने कहना है टच कर रहा है, तो टच एक ही पॉइंट पे करता है यूजुअली, ठीक है, टेंजेंट जैसे टच करता है। ओ माय गॉड, मतलब ये रेडियस है ना, अगर ये 2, 3 इसका सेंटर है, तो यहां से यहां तक क्या है, ये रेडियस है, ये जो लेंथ है ये रेडियस को डिनोट कर रही है, तो बस हमें सेंटर पता है, हमें रेडियस पता है 3, तो इक्वेशन आ जाएगा एक्स माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर, बस आ गया, एक्सपेंशन तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल क्या है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगला सवाल देखते हैं। एट ए बी टचिंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को जो टच करता है वो या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, बट हम इसको अज्यूम करेंगे इस तरफ होगा, क्यों, 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 क्योंकि ये ए और बी दोनों पॉजिटिव है ना, यस दिस इज ए दिस इज बी, ठीक है, तो x पे a है, मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है a। अच्छा अगर इसको टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी है, अच्छा इमेजिन नहीं हो रहा है, मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर मैं पूरा अच्छे से बनाता हूँ। ये जस्ट अ मोमेंट, थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बताता हूँ तो आपको इमेजिनेशन करने में आसान हो। टचिंग एट ए बी, देखने में बच्चा भी जानता है ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये इस तरफ ही आएगा, और टचिंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो लेट्स से वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ये है, ये है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ए, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ जो कि है बी, बस रेडियस पता चल गई कितनी है, ये है रेडियस, है ना, दिख ही रहा है, सर्कल बनाया मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, मुझे बताओ ए और बी अगर इसका सेंटर है, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। दूसरी बात, ए जो है वो रेडियस बता रहा है, क्यों, आप खुद ही देखो ना, ये इसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो या तो इधर टच करेगा, कहीं भी ऊपर नीचे टच करे उससे कोई मतलब नहीं अपना, मेन मतलब है कि सेंटर, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट पे ए दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस ए है, द लेंथ इज ए, तो रेडियस मिल गई ए, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इट इज
इट इज़ नथिंग बट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस दैट इज a का स्क्वायर. प्लीज लिख लीजिए जल्दी से. अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए 2-3 दिख रहा है बी 3-5 एज अ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर. क्या आपने डायमीटर फॉर्म पढ़ा है? मैंने कुछ ही समय पहले बेसिक्स में आपको बताया था डायमीटर फॉर्म क्या है. वो कि डायमीटर फॉर्म में एक ए पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2. बस आप लिख दीजिए x-x1 (y x-x2) + y-y1 (y-y2). तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इट इज x-x1 (x-x2) + y-y1 (y-y2) इज इक्वल टू वॉट? क्या था इज इक्वल टू? याद करो. यस, इट इज इक्वल टू जीरो था. जस्ट अ मोमेंट. इज इक्वल टू जीरो. तो मैंने बताया था डायमीटर फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है. तो बस आपको पता है, गली का बच्चा बच्चा जानता है. क्या जानता है? यह है x1 y1, यह है x2 y2. आप किसी को भी x1 ले लो y1 ले लो, या तो इधर वाले को x1 y1 ले लो या तो इधर वाले को ले लो, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो ये हो जाएगा इक्वेशन x-x1 (x-x2) माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा y-y1 y-y2. खत्म. दिस इज ओवर एज ऑफ नाउ. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट.